डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपने फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉसलॉ पढ़ा था और आज की इस क्लास में सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉसलॉ, और सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉसलॉ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। ओके, सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉसलॉ। फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट ए बी सी डी इज स्मॉल पार्ट ए बी सी डी इज स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट ए बी सी एंड डी। द चार्ज गिवन टू द कंडक्टिंग सीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स एंटायर सरफेस। चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ओके, वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सीट। फ्रंट पॉइंट ओ। नाउ वी अज्यूम ए इक्वल एलिमेंट एरिया ए वन एंड ए टू सिमेट्रिक ऑफ पॉइंट ओ इन फ्रंट पॉइंट पी। ए वन एंड एरिया ए टू आर इक्वल, देयरफॉर चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट एरिया, यूनिट एरिया पर चार्ज क्या है? सिग्मा। तो ए वन एरिया पर चार्ज क्या होगा? सिग्मा ए वन इक्वल टू सिग्मा ए टू, बिकॉज ए वन इक्वल टू ए टू। तो बोथ एलिमेंट एरिया हैव इक्वल चार्ज। ओ टू ए वन की डिस्टेंस, ओ टू ए टू की डिस्टेंस इक्वल है, ये इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई एलिमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अलोंग ए वन पी एंड ए टू पी। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन अलोंग ए वन पी एंड ए टू पी, बिकॉज दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस, दिस इज कॉमन साइड, दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री और राइट एंगल। तो ट्राइंगल अबाउट ये, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो ए वन पी और ए टू पी डिस्टेंस भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। चार्ज की वैल्यू भी इक्वल है, डिस्टेंस की वैल्यू भी इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बाई
आर स्क्वायर होता है कि कॉन्स्टेंट है, चार्ज इक्वल हो गया बोथ एलिमेंट एरियाज पे, और बोथ एलिमेंट एरियाज से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगी, इसलिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अलोंग ए वन पी एंड अलोंग ए टू पी। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिवाइडेड इंटू कंपोनेंट्स अलोंग ओ पी एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी, अलोंग ओ पी एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी। दिस एंगल एल्फा, दिस इज ऑल्सो एल्फा, ये एल्फा तो ये भी क्या होगा एल्फा, और ये भी क्या होगा एल्फा। ओके यहां से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो ये क्या बनेगा बेस, और बेस के साथ क्या आता है कोस एल्फा, तो इसका कंपोनेंट अलोंग ओ पी डी ई कॉश एल्फा, और इसका कंपोनेंट भी डी ई कॉश एल्फा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी ई साइन एल्फा, और ये भी डी ई साइन एल्फा। ओके अकॉर्डिंग टू डायग्राम परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर, देयरफॉर कैंसल आउट ईच अदर, और कंपोनेंट अलोंग ओपी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर, देयरफॉर दीज कंपोनेंट्स आर एड अप, देयरफॉर इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी अलोंग ओपी, एट पॉइंट पी अलोंग ओपी, और ओपी है दिस इज ओपी इज परपेंडिकुलर टू द शीट, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। सेकेंड पॉइंट बी, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी अज्यूम ए गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस एज ए सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, क्रॉस सेक्शनल एरिया एस। पॉइंट पी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट, और अलोंग ओ पी, अलोंग ओ पी सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, आउटसाइड सर्किल एस वन, इनसाइड सर्किल एस टू, एंड सिलेंड्रिकल सरफेस एस थ्री। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट और कंडक्टर्स आर जीरो, तो E इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट E इक्वल टू जीरो। नाउ वी टेक स्मॉल एलिमेंट एरिया ऑन एस वन, और डी एस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एस वन, एंड ई वेक्टर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एस वन। हेयर डायग्राम, ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। स्मॉल एलिमेंट एरिया, डी एस वेक्टर परपेंडिकुलर टू सिलेंड्रिकल सरफेस डी एस वेक्टर, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, सिलेंड्रिकल सरफेस पर ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर थीटा थ्री
इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 3 इक्वल टू 90 डी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी कैलकुलेट इन इक्वेशन फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। नाउ क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, वन इज आउटर सर्किल एस वन, अनदर इज इनर इनसाइड सर्किल एस टू, और थर्ड इज सिलेंड्रिकल सरफेस एस थ्री। नाउ फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन एस वन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया एस वन प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एस टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन एस वन ई डी एस कॉस थीटा वन प्लस एस टू ई डी एस कॉस थीटा टू प्लस एस थ्री ई डी एस कॉस थीटा थ्री ई डी एस कॉस थीटा थ्री। फाई ई इक्वल टू नाउ थीटा वन एस वन, एस वन पर ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर थीटा वन इक्वल टू जीरो, थीटा वन इक्वल टू जीरो, कोस थीटा वन कोस जीरो की वैल्यू वन, और एस टू इनसाइड द कंडक्टिंग शीट, और कंडक्टिंग शीट इनसाइड द कंडक्टिंग शीट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, देयरफॉर ई इक्वल टू जीरो, एंड थर्ड थीटा थ्री ऑन एस थ्री ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर थीटा थ्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा थ्री इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस थीटा थ्री इक्वल टू कोस 90 की वैल्यू जीरो, कोस 90 जीरो। नाउ फाई ई इक्वल टू एस वन, ये हो गया ई डी एस, ये जीरो ये भी जीरो, एस वन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एस वन आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ई एस वन डी एस ई एस, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। थर्ड इक्वेशन समेशन क्यू टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज ये एरिया कितना है एस, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर इज एस, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एस है, तो वो ऐसे आ गया। यूनिट एरिया पर चार्ज क्या है सिग्मा, तो एस एरिया पे चार्ज क्या होगा सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू एस, दिस इज इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड में फाई ई की वैल्यू क्या हो गई ई एस, समेशन क्यू की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा एस, ई एस इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट
एस कैंसिल और ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन फोर्थ. इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ. नियर पॉइंट टू द कंडक्टिंग सीट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस. डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस. वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म वी डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट. देयरफॉर ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप. इक्वेशन फिफ्थ वेहर एन कैप यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सीट. ओके. ई वेक्टर की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द सीट. एन कैप की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द सीट. एन एन मीन्स नॉर्मल टू द सीट. ओके. ग्राफ बिटवीन ई एंड आर. ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डिस्टेंस स्मॉल आर. ओके. डिस्टेंस स्मॉल आर. इलेक्ट्रिक फील्ड ई. इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्राफ आएगा पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस. पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. द ग्राफ बिटवीन ई एंड सिग्मा. ई एंड सिग्मा. ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा की वैल्यू जीरो होगी तो ई की वैल्यू भी जीरो होगी. जैसे जैसे सिग्मा इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा. और ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन. ओके. ये गॉस लॉ का सिक्स्थ एप्लीकेशन था. अब अपन कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन द
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर सेंटर ऑफ स्फीयर इज 10 वोल्ट पर मीटर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या हैं आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर और आउटसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर आंसर गिवन फर्स्ट डिस्टेंस आर वन 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 × 10⁻²⁪ मीटर और आर टू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर 8 × 10⁻²⁪ मीटर एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर और वी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ई टू क्वेश्चन मार्क रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के कॉन्स्टेंट है चार्ज गिवन टू द स्फीयर इज कॉन्स्टेंट इट मीन्स ई टू बाई ई वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए आर वन ऊपर चला जाएगा आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर ओके ई टू इक्वल टू ई वन आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर और E2 इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या हो गई 10 R1 की वैल्यू 20 × 10⁻²⁪ 20 × 10⁻²⁪ डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻²⁪ 8 × 10⁻²⁪ ये इससे कैंसिल हो गया 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया और 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 आ गया इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया ये भी 5 आ गया और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 आ गया E2 इक्वल टू 5 × 5 × 5 125 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 62.5 वोल्ट पर मीटर इसका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
क्वेश्चन नंबर टू, द इनफाइनाइट लीनियर चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9×10⁴ न्यूटन पर कूलाम, 9×10⁴ न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 cm, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, गिवन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 9×10⁴ न्यूटन पर कूलाम गिवन है, डिस्टेंस आर इक्वल टू 2 cm, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻², तो 2×10⁻²⁰ मीटर। एंड नाउ वी कैलकुलेट सरफेस, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज इक्वल टू 2kλ/r, और लेमड़ा इक्वल टू e into r by 2k, लेमड़ा इक्वल टू e की वैल्यू हो गई 9×10⁴, r 2×10⁻², डिवाइडेड बाई 2, और k की वैल्यू 9×10⁹, 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और लेमड़ा इक्वल टू 10⁻²/10⁹, लेमड़ा इक्वल टू 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर। ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ हो जाएंगे, प्लस के 2, तो 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया इसके लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन अपने को करना है, क्वेश्चन थर्ड, ए पॉइंट चार्ज ऑफ +10 μC एट ए डिस्टेंस डिस्टेंस 5 cm जस्ट अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ऑफ साइड 10 cm as shown in figure, calculate calculate electric field intensity, electric field intensity, calculate electric flux passing through square
आंसर जो डायग्राम अपने को गिवन है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से ये 5 सेंटीमीटर पर 10 माइक्रो कूलाम है। वी इमेजिन ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर क्लोज्ड सरफेस एज ए गॉसियन सरफेस। ये आ गया गॉसियन सरफेस। टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस एज ए क्यूब, और क्यूब के इनसाइड में टोटल चार्ज इनसाइड ए क्यूब और गॉसियन सरफेस समेशन क्यू इक्वल टू 10 माइक्रो कूलाम, 10 इंटू 10^-6 कूलाम, और समेशन क्यू इक्वल टू 1 इंटू 10^-5 कूलाम। ओके, फाई ई इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू 4πk इंटू समेशन क्यू। फाई ई इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 9 इंटू 10^-9, और समेशन क्यू की वैल्यू 1 इंटू 10^-5। फाई ई इक्वल टू 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे 113.04 इंटू 10^-9 प्लस के माइनस के 5 तो 4 आ गया। और फाई ई इक्वल टू 1.13 इंटू 10^-6 वोल्ट इंटू मीटर। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। क्यूब हैज 6 फेसेज और ईच फेस इज स्क्वायर, क्यूब हैज 6 फेसेज ईच फेस इज स्क्वायर, क्यूब हैज 6 फेस ईच फेस फेस इज ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन स्क्वायर इक्वल टू फाई ई बाई 6 1.13 इंटू 10^-2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0.188 इंटू 10^-6 1.88 इंटू 10^-5 आंसर वोल्ट इंटू मीटर। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास।